आज हम देखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज 10 का ओरिजिनल ISO फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। ISO फाइल डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि ISO फाइल होता क्या है। ISO फाइल की मदद से हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल CD बना सकते हैं। विंडोज 10 का ISO फाइल का साइज लगभग 3 से 4 GB का होता है। इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ टाइप करें विंडोज 10 डाउनलोड। यहाँ इस लिंक में क्लिक करें। ध्यान रखें, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ही होना चाहिए। यहाँ डाउनलोड टूल नाउ में क्लिक करें। यहाँ हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का टूल डाउनलोड हो चुका है, इसे आप ओपन कर लें। इसे आप डबल क्लिक करके रन कर लें। विंडोज 10 का सेटअप स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पर, तो आप वेट करें। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन, अपग्रेड दिस PC नाउ। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने PC को अपग्रेड कर सकेंगे। मुझे ISO फाइल डाउनलोड करना है तो मैं दूसरे ऑप्शन में टिक करूंगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करें। यहाँ टिक करके आप मैन्युअली किस ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिशन सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जिस भी बिट का ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 64 बिट का ISO फाइल डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ 64 बिट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करें। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है USB फ्लैश ड्राइव। यहाँ से आप ISO फाइल को अपने पेन ड्राइव में डायरेक्ट बूटेबल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ISO फाइल। मुझे ISO फाइल डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ टिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करें। यहाँ से आप ISO फाइल को जहाँ भी सेव करके रखना चाहते हैं उसे सेट कर लें। ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पर, तो आप वेट करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है। यहाँ फिनिश में क्लिक करें। अब आप इस ISO फाइल की मदद से बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल CD क्रिएट कर सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल CD कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।